हिमाचल में हर्बल खेती के नाम पर सब्सिडी माफिया हावी है। किसानों को एलोवेरा, स्टिविस, तुलसी आदि की खेती के लिए बड़े बड़े सपने दिखाई जा रही हैं और सब्सिडी के नाम पर महंगे दामों पर पौधे बेचने का सिलसिला चल रहा है। हमारे किसानों को सलाह है, बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें, सब्सिडी के प्रलोभन में ना आए। यह विचार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया के माध्यम से व्यक्त किए। दीपक शर्मा, जो कि खुद पहले 20 सालों से प्रगतिशील किसान के रूप में खेती कर रही हैं, उन्होंने बताया सरकार मात्र किसानों को लालच दे रही है, लेकिन धरातल पर किसान को आमदनी के नाम पर सिर्फ घाटा ही मिलता है। उन्होंने कहा एलोवेरा, तुलसी आदि की खेती भी किसान के लिए घाटे का ही सौदा है। इन पौधों पर सब्सिडी के नाम पर महंगे दामों में पौधे दिए जाते हैं, लेकिन जब इसकी बिक्री की आती है तो लागत से आधी कीमत ही मिल पाती है। साथ उन्होंने कहा अगर हम एलोवेरा की बात करें तो 5 रुपए में मिलने वाला पौधा 25 रुपए में दिया जा रहा। इस पौधे में 5 किलो एलोवेरा पैदा होने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन बाजार में पहले तो इसकी खरीदारी ही नहीं है, और अगर कुछ है तो 6-7 रुपए किलो के हिसाब से बिक्री है। हिमाचल प्रदेश में देखने में आ रहा है कि हर्बल खेती के नाम पर किसानों को सपने बेचे जा रहे हैं और उनके साथ धोखा हो रहा है। सब्सिडी को हड़पने के चक्कर में बहुत सी कंपनियां और पौधों की बिक्री करने वाले लोग जो हैं, वो किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाकर महंगे दामों के ऊपर जो हैं वो चीज़ें बेच रहे हैं। जहां तक हर्बल खेती की बात है, अगर हम बात करें एलोवेरा, तुलसी या स्टीविया या अन्य पौधों की, तो अगर हम उदाहरण के रूप में एलोवेरा को ही लें तो इसकी कीमत जो है वो एक पौधा 5 से 10 रुपए के कीमत का आता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आज की डेट में किसानों को 25 रुपए में पौधा दिया जा रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 70% जो है वो इसमें सब्सिडी है। यानी 3 साल बाद मेहनत करने के बावजूद 30 से 35 रुपए ही प्राप्त होते हैं। यह सब गोरख धंधा मात्र सब्सिडी के धन को लूटने के लिए और किसानों के लूटने के लिए किया जा रहा, जबकि इसके खरीदने वाली कंपनियां इसका जूस 200 से 600 रुपए प्रति लीटर बेचती है। इस दौरान दीपक शर्मा ने किसानों से आह्वान किया वह किसी भी प्रलोभन में आने से बचे और लागत, बिक्री आदि का मूल्यांकन करके ही कोई भी उत्पाद खरीदे।